से ये आई सदा प्यार की, उफक से उठी है घटा प्यार की, बड़ी दिल नशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम गर्ज इंसान हो तुम शेरजान। अपने फायदे के लिए तुम अपनी बहन का सौदा करने आए हो। नहीं मामा, मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूँ जिसे जब दिल चाहा यहाँ से उठा के वहां रख दिया। मैं मान तो रहा हूँ कि क्या मान रहे हैं आप? क्या आज आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? कल कोई आपकी अना को ठेस पहुंचाएगा तो ये मोहब्बत फिर खत्म हो जाएगी। कैसी तबीयत भाई? आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह मदद करेगा। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? खून को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया? मेरी आपा, मेरी बड़ी बहन, बस यूं समझ लो कि इन्होंने मुझे पाला है। आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। काबिल है माशाल्लाह, पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर है जी। और सबसे बड़ी बात ये कि कुमार से भी इंतहा प्यार करता है। मोहब्बत करने वाले तो सामने वाले की आंखों में आंसू तक नहीं आने देते। नाराज थे, जरूरत नहीं थी मेरे फोन करने की, उनको हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी, लेकिन इसकी मेहरबानी है, इसकी क्रेडिट है कि मेरे फोन करने पे आ गया। पहले उनका तमाशा बना दिया और अब देखने भी आ गए। वाह दारा शुकू वाह, इतना हौसला कहाँ से लाती हो तुम? कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ मामा, बस थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। लेटी रहो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। पता है दारा शिकू आया तुम्हें देखने और बाहर खड़ा है। वो भी आए? वो तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम्हें होश ही नहीं आया था इसलिए मैंने बाहर ही रोक दिया। मुझे नहीं मिलना उनसे, कह दे कि चले जाए यहां से, क्या मिलने की जरूरत है मुझसे, मैं नहीं मिलना चाहती उनसे। लेकिन कोमल, एक दफा तो मिल ही सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। लेट जाओ। शाबाश, चलो चलो मेरी बेटी, लेट जाओ। दुआ करें सब ठीक। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करेगा। अल्लाह का शुक्र है उसे होश आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख सकते हैं? हाँ आप मिल लीजिए। आइए दारा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम तो घबरा गए जैसे भाभी का फोन आया। क्या हुआ बेटा? स्नेहा ठीक हूँ। कोई टेंशन ली थी क्या?
टेंशन और मैं जिंदगी की कदर कीजिए कोमल जी, जिंदगी से हसीन कोई चीज नहीं। अपना ख्याल रखा करो मेरी जान, देखो कितनी कमजोर हो गई हो। देखिए नारा, मैं जानती हूँ कि आप उसके शौहर हैं, लेकिन वो आपसे इस वक्त नहीं मिलना चाहती। वो पहले ही बहुत ज़हनी अज़ियत से गुजर रही है। मुझे डर है कि अगर आप उसके सामने गए तो कहीं उसकी हालत और ना बिगड़ जाए। इतनी मुश्किलों से संभली है। अगर वो बेहतर यही होगा कि इस वक्त आप उससे ना मिले। शैला, क्या हो गया है? मेरा ख्याल है कि मिलने दो इससे। मियाँ बीवी का आपस का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मियाँ बीवी का अगर आपस का मामला होता ना तो ये बात मियाँ बीवी के दरमियान ही रहती। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हालत देखी है आपने उसकी? पहले आपकी वजह से, फिर माफ कीजिएगा आपकी वजह से आज मेरी बेटी इस हाल में। क्या चाहते हैं आप दोनों, मर जाए वो? डिस्टर्ब है, इस वजह से शायद कुछ गलत बोल गई है, लेकिन मैं अपोलोजाइज करता हूँ तुमसे। इट्स ओके। कोमल जी को छोड़कर जा रहे हैं? वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे बात करना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है, आपने जो कोमल जी के साथ किया उसके बाद भी वो आपके साथ खुशी खुशी जाना चाहेंगी? वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। बस थोड़ा सा तो और पी लेती हूँ। क्या बात है कोमल, क्या सोच रही हो तुम? नहीं कुछ भी नहीं कोमल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी ना, तब भी मैं सब जानती हूँ। दारा शिको के बारे में सोच रही हो ना तुम? नहीं मामा। देखो बेटा, मुझसे तो छुपाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह हर बात जानती हूँ। तुम उसके बारे में सोच सकती हो, दारा शिको तुम्हारा शौहर है। वो चले गए? तुम्हें क्या लगता? जाहिर है चले गए होंगे, उन्हें अपनी इज्जत बहुत अजीज है, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। हाँ, लेकिन इस बार ये सब सोचने में तुम गलती कर रही हो। मैंने तो कहा था कि जाना चाहता है तो चला जाए, मगर उसका कहना यही था कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएगा। जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे उनसे नहीं मिलना, तो फिर क्यों बैठे? मैंने तो ये सारी बातें उसको बताई थी, लेकिन उसने यही कहा कि जब तक कोमल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं मिलना चाहती उनसे, नहीं देखना चाहती हूँ मैं। फिर उनसे बहुत टूट के मोहब्बत की है, लेकिन अब मेरे दिल में उनके लिए जगह नहीं है। दुनिया में हमेशा छोटी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन खुद को अजियत पहुंचाना कहाँ की समझदारी हूँ? तुमने मोहब्बत ही तो की है ना, तुम खुद को सजा नहीं दोगी इसकी?
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जा रहे हैं? हाँ शायद। कोमल जी को छोड़कर जा रहे हैं? वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे बात करना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है आपने जो कोमल जी के साथ किया उसके बाद भी वो आपके साथ खुशी खुशी जाना चाहेंगी? वो सब भुलाने में उन्हें कुछ टाइम लगेगा। मुझे तो लगता है कि मैं हार गया हूँ। अगर आपने इतनी जल्दी हार मान ली तो सब बिगड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे। मुझे लगता है कि अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, उसे नफरत हो गई है मुझसे। मोहब्बत करने वालों के दरमियान गलत फहमी तो हो सकती है मगर नफरत नहीं। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, तालीम में भी आप मुझसे ज़्यादा हैं, मगर पता नहीं क्यों मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। अब फैसला आपका है। ये कुछ दवाएं डॉक्टर ने और दी हैं कोमल के लिए, ये भी हमारे साथ घर जाएंगी। देखो ना कोमल, ये तुम्हारी जिद है कि घर जाना है। मैं तो ये कह रही थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आराम से दो तीन दिन और रुक जाती, तबीयत ठीक हो जाती तब चले जाते। मैं घर जाऊंगी तो ही सुकून मिलेगा। फिर भी बेटा, जो केयर यहाँ पे मिल रही है वो घर में मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। मैं ठीक हूँ, यहाँ रहूँगी तो कभी ठीक नहीं होंगी मैं। क्या मतलब? यहाँ दारा शिकू है। तो जब तक मैं यहाँ रहूँगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है अम्मी, नहीं देखना चाहती मैं उन्हें। उन्हें देखूंगी तो मुझे तकलीफ होगी और वो भी यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं उन्हें देखना ही नहीं चाहती और ना ही मैं इस बारे में कोई बात करना चाहती हूँ। मुझे सुकून चाहिए जो कि घर जाके ही मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसी हो कोमल? तुम बैग गाड़ी में रखो। कोमल मेरी बात सुन लो, मुझे ना आपकी कोई बात सुननी और ना ही आपसे कोई बात करनी है। सब लोग हमें देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही हो? मेरी बात सुन लो फिर चले जाना। लोग तमाशा? जब मेरा तमाशा बनाया था उसका ख्याल नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे? हट जाए मेरे रास्ते से, नहीं करनी आपसे कोई बात। आज के बाद ना मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करना और ना ही मुझसे बात करने की। देखना भी नहीं चाहती आपको।
कभी कभी रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, समझने के लिए, समझाने के लिए, कोमल का जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा दारा। बेस्ट ऑफ लक। To the room and change. नहीं, मुझे भी खेलना। वो आएगा, तुमको देखेगा इतना गंदा, क्या बोलेगा? मुझे भी खेलना है थोड़ी देर, please. Tipu, let's go. Okay, बाद में खेलो, अभी चलो ड्रेस अप हो जाए। पापा, पापा मम्मा को नहीं लेकर आए? मिस कमलिया? नहीं, वो नहीं आई, एक दो दिन में आ जाएंगे। जी मम्मा से मिलना है, लेके चले मुझे मम्मा के पास। सुबह से तैयारी किया कि आज मम्मी आएगा। मैंने ब्रेकफास्ट में मिल्क भी पी लिया था ताकि कोमल आंटी खुश हों कि मैंने फ्लोर आंटी को तंग नहीं करा। और फिर अपना सारा होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया था कि कोमल आंटी आएंगी तो फिर वो मुझे स्टोरी सुनाएंगी। बताए ना पापा मम्मा क्यों नहीं आई? आ जाएंगी बेटा। लेकिन कब आएंगी वो? एक दो दिन में। ठीक ही तो कह रही है वो। वैसे भी सबके फैसलों ने आज तक उसे सिवाय दुख के और दिया ही क्या है। शैला, उसका बाप हूं, मानता हूं कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन मैं उसका बुरा कैसे चाह सकता हूं? दारा उसका शौहर है, मियां बीवी में आपस में झगड़े होते रहते हैं। कोमल को चाहिए कि पुरानी बातों को भुला के नई जिंदगी शुरू करे। तो सिर्फ उसकी सेहत की फिक्र लगी हुई है। आपने उसकी आंखें देखी? क्या कभी जिंदगी में इतने हल्के थे उसकी आंखों के नीचे जैसे अब? मैं तो नहीं जानती कि मेरी बेटी के नसीब में और क्या क्या लिखा है। बस आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी कि हम दोनों को अमेरिका भिजवा दें। अमेरिका? तुम्हारा क्या ख्याल है कि कोमल दारा से दूर रह के जी पाएगी? अब भी तो जी रही है ना, वहां भी जी लेगी। वैसे भी दारा ने कौन सा आज तक उसे कोई भी सुख दिया है? भला इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी को कोई इस तरह अपने से दूर करता है? शैला, लेकिन इस तमाम किस्से के पीछे दारा की गलती नहीं है, मेरी गलती है। गलती जिसकी भी हो, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को इस तरह और जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती। जब उसकी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे लेकर वापस आ जाऊंगी। वहां पे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कम से कम उनके बीच उसका दिल तो लगा रहेगा। मैं कुछ कह रही हूं आपसे हमाद। ठीक है, करा देता हूं मैं टिकट्स, तुम तैयारी करो। कोमल अमेरिका जा रही है। अमेरिका?
और उसके, इसलिए तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। मुझे तो मेरी खुशी ना मिल सकी, अगर आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए इसी सहारे सारी जिंदगी गुजार लूंगा। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। एहसास हो गया है आपको कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन ये तो मेरी मोहब्बत हुई ना। क्या आपने कभी मुझसे मोहब्बत की है? शिराज, एक काम करो, अमेरिका के लिए दो टिकट्स करा दो। कोमल कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के साथ जा रही है। हाँ, वो अल्बर्ट को इन्फॉर्म कर देना पहले से। मामी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं कुछ अरसे के लिए कोमल को यहाँ से लेकर अमेरिका जा रही हूँ। और अभी तो कोमल जी की तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, कुछ दिन तो उन्हें पुरसुकून होने दीजिए। कोमल को जहनी सुकून हासिल हो सके इसीलिए तो मैंने ये फैसला किया। क्या आप उन्हें उनकी मोहब्बत से दूर ले जाके उन्हें सुकून दे सकती हैं? क्या वो रह पाएंगे उनके बिना? आपने देखा नहीं कि कोमल जी ने चंद ही दिनों में अपनी क्या हालत बना ली है? बाजिल, मैंने हर लम्हा अपनी बेटी को अकेले में तड़पते और सिसकते ही देखा है, और उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मामी, हर प्रॉब्लम का एक हल होता है, मगर ये कोई हल नहीं है, बल्कि इससे तो एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। फिर तुम ही मुझे बताओ कि मैं आखिर क्या करूं। ऐसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसके पापा भी यही चाहते हैं और कोमल भी राजी है इस बात पर, फिर मैं कैसे ना जाऊं? जैसे आपकी मर्जी, मगर कुछ ठीक नहीं हो रहा। पहले मामू जान, फिर दारा शुकू ने कोमल जी के साथ ठीक नहीं किया, और अब कोमल जी अपने साथ कुछ गलत कर बैठेंगे, मगर मैं उनके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा।
कोमल जी, आपके साथ जिसने भी किया, जो भी किया, गलत था, लेकिन अब जो आप करने जा रही हैं वो एक हिमाकत है। तारा शुकू की आंखों में मैंने आपके लिए मोहब्बत देखी, मैंने भी आपसे मोहब्बत की। मोहब्बत करने वालों का दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि आपने उनसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। अगर की होती तो कभी उन्हें इतनी तकलीफ में ना छोड़ती। माना कि आपके साथ गलत हो, लेकिन अब जो आप करने जा रही हैं वो भी सही नहीं। पहले आप उनके पीछे भागती थी, और जब वो आपके पीछे भाग रहे हैं तो आपको इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है। कोमल जी, मोहब्बत करने वाले तो हसास होते हैं, मगर आप तो मोहब्बत करके और उसे पाकर आपने अपना दिल ही पत्थर का कर लिया। मैं तो सिर्फ आपको समझाने आया था। आगे आपकी मर्जी। मुझे तो मेरी खुशी ना मिल सकी, अगर आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए इसी सहारे सारी जिंदगी गुजार लूंगा। आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। देखो, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं जिनका तस्करा मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। मैं कुछ समझा नहीं। कोमल अमेरिका जा रही है। अमेरिका? तुम शौहर हो उसके, इसलिए तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अमेरिका क्यों जा रही है? मेंटली बहुत डिस्टर्ब है वो, इसलिए उसका अपना फैसला है कि वो यहां पे नहीं रहेगी, और मैं उसके इस फैसले में जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। बेबस हो गया हूं यार, उसके इस फैसले पे मैं अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। समझ सकती हो कि मेरी इस वक्त पोजीशन क्या हो गई है, मैं कहां खड़ा हो गया हूं। उसे अगर रोक सकते हो तो रोक लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस कदर मोहब्बत तुम उससे करती हो ना, टूट के मोहब्बत वो तुमसे करता है। नहीं टीपू, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूं। अल्लाह ना करे टीपू। टीपू, हेलो। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम, कहां से
सदा प्यार की उफक से उठी है। फ्लोर आंटी, आप कोमल आंटी को कॉल करें। Yeah, I was about to. I'm gonna call her right now. Happy? Give me a smile. हेलो। हेलो फ्लोरा मैम, कैसी हैं आप? ओह डार्लिंग, आई एम ओके बट टीपो इज नॉट। आपको बहुत मिस करता है, हर वक्त बोलता मिस कोमल कब आएगा, रोज आपका इंतजार करता। ओह मिस कोमल, आप कब आएगा? व्हेन आर यू गोइंग टू कम बैक? मैं अब नहीं आऊंगी, मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? बट व्हाई? आप क्यों जा? हेलो कोमल आंटी, आप अमेरिका जा रही हैं मुझे छोड़कर? पहले मेरी मम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई और अब आप भी? नहीं टीपू, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, जब मैं चला जाऊंगा ना तो सबको पता चलेगा। अल्लाह ना करे टीपू, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। टीपू, ठीक? टीपू, हेलो। कोमल जी बाबा, पैकिंग हो गई? या हाँ जी, मैंने शायद गलत फैसला किया था। अगर इस बार गलत फैसला तुम करने जा रही हो मुझे अंदाजा नहीं था कि इंसान पढ़ने लिखने के बाद इतना काबिल हो जाता है। आज तारा को मुझे अपना दामाद कहते हैं, फख्र महसूस हो रहा। अगर तुम मेरा दारा का मुआवजा करो तो गांव में दारा की इज्जत मुझसे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। दौलत कुछ भी नहीं, ये मुझे यकीन आ गया। हम लोग जो है ना रस्म व रिवाज में झगड़े हुए लोग, झगड़े हुए बहुत पीछे रह गए हम लोग। लेकिन तारा रस्म व रिवाज की कैद से आजाद हो चुका है और हमसे बहुत आगे निकल गया है। गांव में ना उसको
स्कूल अस्पताल बनाने का ख्याल सबसे पहले तारा के दिल में आया। तो बेटा मैं समझता हूं कि दारा से अच्छा दवा मुझे मिल नहीं सकता। एक दरख्वास्त है तुमसे, हो सके ना तो तारा के मामले में अपने फैसले पे नजर सानी करना शुरू। पता है जिस कदर मोहब्बत तुम उससे करती हो ना, टूट टूट के मोहब्बत वो तुमसे करता है। सॉरी तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही फैसला मेरा होगा। बड़ी दिल नशी बादलों की ये
सरगम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम। कितना जालिम, वफा